नमस्कार फ्रेंड्स। तो लगभग 1600 किलोमीटर ट्रेवल और 35 घंटों के इंतजार के बाद हम फाइनली उस स्थान पर हैं, जहां से हमें आश्रम क्लियरली नजर आ रहा है। आश्रम पहुंचकर हमने अपना नाम रजिस्टर करवाया और उसके बाद इन्होंने हमें 2 बेड अलॉट कर दिए, जो कि यहाँ की डॉर्मेट्री में था। ये है यहाँ बहुत ही प्यारा सा बना हुआ गार्डन, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं इसमें। एंड दिस इज आवर डॉर्मेट्री। ये डॉर्मेट्री का वॉशरूम जेंट्स टॉयलेट है, जो कि बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही हाइजीनिक है। एंड दिस इज आवर डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री से फ्रेश होकर और रेडी होकर हम पहुंच गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास चल रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग था। तो पूरे आश्रम में जो सबसे ज़्यादा सूदिंग प्लेस जो मुझे नज़र आ रही थी, वो इस भट्टी के पास थी, क्योंकि यहीं पर हमें बहुत अच्छी खासी गर्मी मिल रही थी। तो चल के हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट का मज़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया। गर्म गर्म नाश्ता करके, अपना प्लेट साफ करके हम पहुंचते हैं बैकयार्ड पे। स्वामी जी को हम श्री ओम स्वामी नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जन्म 1979 में श्री अमित शर्मा के रूप में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की चेष्टा तो इन्होंने 7 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, किंतु इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। 30 साल की उम्र तक इन्होंने सॉफ्टवेयर का बिजनेस किया, अपने बिजनेस को 5 महाद्वीपों में फैला दिया। 30 साल की उम्र में, मतलब लगभग 2010 के आसपास, इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और अपनी सारी संपत्ति एक अनजान व्यक्ति को दान कर दी। फिर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में इन्होंने चुना हिमालय के पहाड़ी इलाके को, एक वीरान जगह को। 2011 में जब वो यहाँ आए, तब एक सिर्फ छोटी सी झोपड़ी थी उनके रहने के लिए। यहाँ तक पहुँचने का कोई मार्ग भी नहीं था, नदी पार करके आना पड़ता था। प्रतिदिन उन्होंने 22 घंटा तक मेडिटेशन किया। जब इस कार्य में उन्हें सफलता मिली, 2014 में उन्होंने यहाँ पर श्री हरि की चतुर्भुजी मूर्ति की स्थापना की। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग भी बन गया। 2014 के बाद उन्होंने अपने ज्ञान की रोशनी लोगों तक पहुँचाना शुरू किया और लोगों की सेवा करने का अनेक अवसर उन्होंने ढूंढा। लोगों को न केवल आध्यात्मिक बल्कि उनके सांसारिक जीवन में भी उत्थान का रास्ता उन्हें दिखाया। 2016 में यहाँ पर गौशाला बनाई गई और प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल यहाँ पर बनाया गया। उनके कुछ ऐप भी हैं जो लोगों का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, जिसका नाम है, एक है ब्लैक लोटस, दूसरा है OS.me और तीसरा है साधना। इस ऐप में आपको मेडिटेशन के बारे में और मंत्रों के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी मिल सकती है। और उनकी लिखी हुई 15 पुस्तकें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें आप साधना के बारे में, मंत्र के बारे में या मेडिटेशन, वेलनेस, इन सब टॉपिक्स के बारे में काफ़ी डीप उनका जो एक्सपीरियंस है और अध्ययन है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। हेलो, जय श्री हरि। फ्रेंड्स, अभी हमें बद्रिकाश्रम के बैक साइड पे, और यहाँ आपने देखा कि पीछे गौशाला बना हुआ है और फीमेल डोरमेट्री है, सामने गेस्ट हाउस बना हुआ है, प्राइवेट गेस्ट हाउस है। पीछे साइड पे आप जो देख रहे हैं, जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो है प्राइवेट रूम्स और नीचे मेडिटेशन हॉल है। और पीछे पहाड़ों के नीचे बहती हुई ठंडी ठंडी गिरी नदी, बहुत ही अमेजिंग व्यू है गाइस। चलिए आपको ले चलते हैं गिरी नदी के पास। आप में से बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा कि ये कौन सी जगह है और ये कौन सा आश्रम है जहाँ हम आज आपको लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स के बारे में सुना होगा और उनकी लग्जीरियस लाइफस्टाइल से भी हम सब वाकिफ होंगे। कितनी आकर्षक लगती है ना इनकी लाइफस्टाइल। इन्हीं में से एक नाम श्री अमित शर्मा भी था, जिन्होंने उस लग्जीरियस लाइफ को ठोकर मारकर अपनी हजारों करोड़ों की संपत्ति किसी अनजान व्यक्ति को दान कर दी, अपने सत्य को जानने और अपनी साधना पूरी करने के लिए हिमालय के सुदूर इलाके में चले गए। श्री ओम स्वामी जी की स्पिरिचुअल जर्नी कुछ सवालों से शुरू हुई थी, जैसे क्या ईश्वर सचमुच है, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, और फिर 15,000 घंटे मेडिटेशन का रिकॉर्ड। स्वामी जी बताते हैं कि उन्हें अगर कोई चीज़ बहुत अच्छे से आती है या किसी चीज़ में एक्सपर्टाइज है उन्हें,
तो वो है मेडिटेशन, अपने मन और इंद्रियों को पूर्णतः कंट्रोल करना। यदि आप ध्यान के हायर स्टेजेस को जानना चाहते हैं या हायर स्टेजेस में जाने का मार्ग खोज रहे हैं तो स्वामी जी के आश्रम में जाना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। स्वामी जी अपनी साधना से अपने दिल की धड़कन को रोक सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, अपनी साधना से अपने बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इवन वो आपकी माइंड रीडिंग भी कर लेते हैं। आप जितनी देर में कोई सवाल अपने दिमाग में सोचोगे, उसे वाक्य में ढालोगे, फिर उनसे पूछोगे, उतने देर में वह अपना जवाब तैयार कर लेते हैं। स्वामी जी अपनी ब्रेन एक्टिविटी को जीरो कर लेते हैं, ब्रेन एक्टिविटी को रोक लेते हैं, और इसका एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी कंडीशन में भी हो चुका है। अपना पूरा जीवन मेडिटेशन और मंत्र के जाप को समर्पित किया उन्होंने, उन्हें देवी के दर्शन भी हुए और इसका अनुभव वो लोगों से शेयर भी करते हैं। जीवन के कुछ छुपे हुए रहस्यों को जानने की यदि आप जिज्ञासु हैं तो स्वामी जी के आश्रम में आना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग तक हम ऊपर से नीचे फोटो ले रहे थे नदी की, अब हम नीचे आ चुके हैं और नीचे से ये देखिए। संध्या के समय हमें भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त हुए और उनकी आरती अटेंड करने का भी हमें मौका मिला। जीवन मरण के बंधन से मुक्त करने वाले भगवान श्री हरि की काले रंग के पत्थरों में बनी हुई चतुर्भुजी मूर्ति 2014 में यहां लाई गई और स्वामी जी द्वारा बड़े ही स्नेह के साथ कॉन्सिक्रेट यानी इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। स्वामी जी के डिस्कोर्स के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में हमारे ग्रुप के एक मेंबर डॉक्टर पुनीत सोनकर को स्वामी जी से सवाल पूछने का मौका मिला और उन्होंने स्वामी जी से सवाल पूछा कि जब ईश्वर हमें दर्शन देते हैं तो उनका रूप किस प्रकार होता है या ईश्वर का रूप कैसे होता है जब हम उनको देख पाते हैं। तो स्वामी जी का इसमें जवाब था कि आप ईश्वर को जिस रूप में जानते हैं या आप जिस रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर आपको उसी रूप में दर्शन देते हैं। फ्रेंड्स, स्वामी जी की जर्नी, उनके साधना के वक्त जिन एक शख्स का वर्णन मिलता है, प्रदीप जी, जिन्होंने उनकी काफी सेवा करी, उनसे भी हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फ्रेंड्स, इस तरह रात को हमारे सोने का वक्त आ गया और अपने डॉर्मेट्री मेट्स के साथ कुछ डिस्कशन करते हुए हम सोने चले गए। उनके जाने के बाद तो चार पांच अलग अलग तरीके से बढ़ गई और सब लोग अंधविश्वासों में ज्यादा पड़ गए। बट आप ज़ेन को समझो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम पहुंचे यहाँ पे, क्योंकि हम ट्रेन से आए हुए थे, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थे, लगभग 24 घंटे से ज्यादा, इनफैक्ट 36 आवर से ज़्यादा हो गया होगा आई गेस। और यहाँ पहुँचने के बाद ठंड इतनी ज़्यादा थी, कल नहाते टाइम मैं ये सोच रहा था कि पहाड़ों में ज़िंदगी में कभी ठंड के टाइम में नहीं आऊँगा, मतलब लिटरली आई वॉज स्कैर्ड। और अभी सीन ये है कि कल हमारा जो भी रूटीन था वो ख़त्म हुआ, लगभग 5:30-6 बजे तक हमने उनका डिनर कर लिया था और लगभग 11:15-11 बजे तक हम बेड पे आ गए थे सोने के लिए। अभी सीन ये है कि आज मैंने 5 बजे के आसपास का अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन आज 4:15 बजे के आसपास ही नींद खुल गई।
4:30 के बाद मैंने बेड छोड़ दिया था और अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। तो आज वैसे भी ठंड से डर नहीं लग रहा है, पता नहीं ये क्या है, ऑरा है या मेंटली ऐसा प्रिपेयर्ड हो गया। कल हम 10 बजे के आसपास भी नहाने से डर रहे थे और आज 4:30 बजे नहाने, 4:45 बजे के आसपास नहाने के लिए चले गए थे। तो ये है सीन, अभी हमारा जो मेरी जो रूटीन वाली क्रिया वो करूँगा, उसके बाद यहाँ जो शेड्यूल प्रोग्राम है उसको अटेंड करने के लिए जाएंगे। देखते हैं स्वामी जी से मुलाकात हो जाएगी प्रोबेबली, तो आपको अपडेट करते हैं। बने फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट नज़र आ रहा है। कल मैं, मेरे से मिस हो गया, आज इसको टेस्ट करना। फ्रेंड्स, आज हमारा सेकेंड डे है और सेकेंड डे में हमारे लिए खाने के लिए भी बहुत स्पेशल चीज़ें थी, और आज का डे स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज स्वामी जी के हमें दर्शन होने थे और उनका डिस्कोर्स भी हमें सुनने को मिलना था। साथ ही हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उन माता जी के दर्शन का जिन्होंने स्वामी जी को जन्म दिया है। इवनिंग के इस रिफ्रेशमेंट को एंजॉय करने के बाद हम शाम को स्वामी जी के दर्शन के लिए, डिस्कोर्स के लिए चले गए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे फुटेजेस लेना अलाउड नहीं था सो हम वहाँ के फुटेजेस नहीं ले पाए। शाम की ग्रुप मीटिंग में हमें स्वामी जी से आशीर्वाद लेने का मौका मिला और इसी के साथ आज हमारा दूसरा दिन यहीं पे समाप्त होता है। कल मैंने एक स्पेशल चीज़ ऑर्डर कर दी थी, यहाँ का लोकल फूड, आंटी ऊपर में जिनकी छोटी सी कैंटीन है तो वो मैगी पॉइंट सॉर्ट ऑफ है, वहाँ हमने आंटी से रिक्वेस्ट करी और वो रेडी हो गई घर से लोकल फूड बना के लाने के लिए। अभी हम उसे ही एक्सप्लोर करने, उसको टेस्ट करने जाने वाले हैं। सो चलिए आपको मिलते हैं आंटी के पास जाके उस स्पेशल फूड को एक्सप्लोर करते हुए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यस एक्सप्लोर। ये क्या है आंटी? अरबी की सब्जी। हाँ जी। और ये है मक्के की रोटी। मक्के की रोटी, ये बोलते हमारे पहाड़ी में पूड़े। पूड़े? हाँ जी। ओके। मीठा बनाया है। मीठा बनाया? सबको मीठा बनाया क्या? वाओ। नहीं नहीं, ये तो रोटी बनाई ना। अच्छा, रोटी अलग। और ये किस चीज का बना? ये भी आटे का बनता है। अच्छा, ये आटे का बना हुआ है। अरे ग्रेट यार, ये बहुत ही बढ़िया है। और ये भी आटे की रोटी, मक्के की रोटी नहीं है ना? मक्के की रोटी भी है। वाओ, आसो मजा आ जाएगा फिर तो। ये मालपुआ है जो अपने नॉर्थ साइड में होता है। हां हां, उसका ही बड़ा मतलब मोटा रूप है। हर जगह पे ना थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है, लाइक अपने यहाँ पे भी ना बहुत सारी ऐसी डिशेस बनती है। ये है मक्के की रोटी। आप क्या चीज डालते हैं? अपने हाथों से यहाँ की स्पेशल डिश बनाई है हमारे लिए। ये है मालपुआ, जिसे आंटी इसको क्या बोलते हैं? पूड़े। इसको पूड़े कहते हैं। और साथ में लोकल यहाँ की अरबी की सब्जी है और मक्के की रोटी है साथ। बहुत माइल्ड सा स्वीट है ये, अरबी की सब्जी और मक्की की रोटी है, बहुत ही डिलीशियस है। फ्रेंड्स, वी हैव हैड वंडरफुल पहाड़ी खाना और आंटी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी एक रिक्वेस्ट पे कि बिल्कुल रेडी हो गई और बहुत दिल से इन्होंने बना के हमें खिलाया। बहुत ही डिलीशियस था फूड, एकदम घर जैसा मज़ेदार। तो आप कभी यहाँ आते हैं तो आंटी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शी इज़ द कुक। शी इज़ द कुक। सो आंटी जी हैं
वो छोटा सा भाई है, छोटा उस्ताद। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। और हम कभी अगली बार आएंगे तो कुछ नई डिश ट्राई करेंगे। और आंटी का कहना है कि आप घर में आते तो मैं और अच्छे ज्यादा अच्छे से बहुत सारी चीजें खिलाती, तो अगली बार हम जब भी आएंगे तो आंटी के घर जरूर जाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया हमें, मिलते हैं बहुत जल्द। वो रील के लिए था ना, ये यूट्यूब वीडियो के लिए। सो दीज आर आर रूममेट्स, यू कैन से डॉर्मेट्री मेट्स। ये मैं मेंशन करना चाह रहा था कि आप जब यहाँ पे बद्रिका आश्रम या ऐसी किसी जगह पे आते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है एज फैक्टर। एज फैक्टर बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपसे बहुत छोटे छोटे एज के फ्रेंड्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल सीकर मिलेंगे, जिनकी नॉलेज इतनी होती है कि आपको ये फील ही नहीं होता कि वो एज में आपसे छोटे हैं, और बहुत मज़ा आता है, वो फैक्टर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे साथ रेंडमली एक भैया मिले जिनका यूट्यूब चैनल है, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और चलिए अभी भैया से कुछ सुनते हैं। बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? सर अनिल, अनिल भारती। अनिल भारती जी, कहाँ से आप? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ जी। ओके, ग्रेट 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 जी, बहुत ही सुंदर जगह है। तो सर को सुनाएंगे क्या? सर जरूर जी, प्लीज। अपने जौनसारी में गा सकता हूँ? जी जी प्लीज सर। देवा मासु चले द्या, करूं तेरी सेवा, रजी खुशी रख्या सोंबु, तू मासु देवा। ओ तू मासु देवा। धन्यवाद सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। किस नाम से सर अपना YouTube चैनल? अनिल भारती। अनिल भारती जी, जी सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कंक्लूजन में श्री ओम स्वामी जी के बारे में मैं तीन बातें कहूंगा, उनके लाइफ को तीन पार्ट में डिवाइड करके उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला पार्ट जब उन्होंने धन कमाया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। दूसरा पार्ट जहाँ पर उन्होंने धन को त्याग दिया और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग अपनाया। और तीसरा भाग, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को कुछ देना चाहा, लोगों को ज्ञान के रूप में उनका मार्गदर्शन करना चाहा और अभी भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं बद्रिका आश्रम से, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सफ़र काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमें ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा अगर आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एज एक्सप्लोर्स। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए कल्चर, किसी नए फूड को एक्सप्लोर करते हुए। हमें सब्सक्राइब करिए एएस एक्सप्लोर्स यूट्यूब चैनल पे, और इंस्टाग्राम पेज पे भी हमारा एएस एक्सप्लोर्स के नाम से पेज बना हुआ है, सो उसमें भी ज़रूर फॉलो करिए। तब तक के लिए जय श्री हरि। बद्रिका आश्रम का सफर हमारा यहीं तक का था। हमारा अगला डेस्टिनेशन है सोलन। सोलन में हमारे पास हाफ डे होगा, लेकिन मैक्सिमम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे हम सोलन शहर को। सो हमारा अगला एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें।